स्पीकर साहब, मैं अपनी बात को कंक्लूड करूंगा दो लाइनें बोल के कि अंधे निकालते हैं नुकस मेरे किरदार में, अंधे निकालते हैं नुकस मेरे किरदार में, बैरों की शिकायत है कि मैं गलत बोलता हूं। धन्यवाद स्पीकर साहब। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जदों जदों कोई भी पार्टी का सिख वीर सिख की सिखी की गल करता, अपने धर्म की गल करता, अपनी कौम की आवाज़ बुलंद करता, तो साडा भी फर्ज बन जाता कि उस वीर नूं असी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से घर घर तक पहुँचाने की खेचल करिए। पिछले दिन ही सारी संगत जानती है जिहड़ी अपने धर्म नाल प्यार करती, अपनी कौम नाल प्यार करती, उन्होंने वेख्या बंगाल दे विच IPS ऑफिसर जसमीत सिंह दे नाल किस तरीके नाल बदसलूकी की गई। मजा इसे गल का होंदा कि जदों कोई उच्चे अहुदे उत्ते कोई साडा सिख वीर बैठा होवे, वो सिख वीर आवाज़ बुलंद करे तो साडा पहला फर्ज बन जाता कि असी संगत नूं दसीए। जिदा कि सिख वीर पगड़ी बनन तो बाद सिखां दे हक विच नहीं बोलदा तो उहदी निंदिया भी असी लोग करदे आ, मेरे वर्गे बंदे उहदी निंदिया उहदी खिलाफत करके वीडियो शेयर करदे आ, अपलोड करदे आ, संगतां तक पहुँचाने आ कि इस वीर ने सिर ते पग ते जरूर बन्नी है मगर सिखां दे हक दी गल नहीं कीती। मगर जदों सिख दे हक दी गल कीती जांदी है तो साडा फर्ज बनदा है जदों गल ना करन दी असी आवाज़ बुलंद करदे आ ते गल करन दी आवाज़ बुलंद भी असी करिए, संगतां नूं पता लगे कि आवाज़ बुलंद करन वाला शख्स असल च है कौन। हुणे मैं वीडियो वेख रहा सी फेसबुक दे उत्ते, तिलक नगर विधानसभा का MLA जरनैल सिंह दी वीडियो मेरे सामने आई जिहदे विच विधानसभा दे अंदर उस मुद्दे नूं हाईलाइट किया गया, उस मुद्दे नूं चक्किया गया जिहड़ा बंगाल दे विच IPS ऑफिसर दे नाल बदसलूकी की गई। तुहानूं ध्यान होएगा एक जरनैल सिंह रजौरी गार्डन से होंदे सी जिन्हां ने पी चिदंबरम दे जुत्ती चुक के मारी सी और सिखां दी आवाज़ बुलंद करन दा एक रोस प्रगटावा किया सी। 1984 दे कातलां नूं अज तक सज़ा नहीं मिली जिहदे विरोध विच जुत्ती मारी गई सी। उही जरनैल सिंह ने विधानसभा 1984 दे मुद्दे की आवाज़ नूं भी बुलंद किया सी उस विधानसभा ते पहुंचन तो बाद। अज तिलक नगर विधानसभा दे जरनैल सिंह ने जो आवाज़ बुलंद की है, मैं दिलों उन्हां दा सत्कार करदा कि उन्होंने एक सिख होण दा सबूत संगतां दे सामने रखिया। असी सुनदे हां उह सारी स्पीच जिहड़ी विधानसभा दे अंदर हक की गल कीती, सिखां दे बारे गल कीती, सिख कौम दे बारे गल कीती। आओ सुनदे हां जरनैल सिंह MLA ने दिल्ली दी विधानसभा दे विच किस तरह आवाज़ बुलंद कीती। आओ सुनिए आवाज़। स्पीकर साहब, मैं दिल्ली के एक सिख बहुल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग, चाहे कोई सिख है कोई हिंदू है, सभी धर्मों के लोग बहुत प्यार से आपसी सद्भाव से रहते हैं। दो दिन पहले पश्चिम बंगाल के अंदर जो हुआ उसको लेकर मेरे क्षेत्र के लोगों के अंदर बहुत रोष है। सभी लोग मेरे से फ़ोन कर करके पूछ रहे हैं कि ये किस तरीके का भारत भाजपा बनाना चाहती है। दो दिन पहले पश्चिम बंगाल के अंदर भाजपा के एक बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक ईमानदारी से ड्यूटी कर रहे सिख अधिकारी को खालिस्तानी बोल के रोकना चाहा। देखिए किस तरीके का भारत भाजपा बना चुकी है जो पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। और इन भाजपाइयों को मैं बताना चाहता हूँ कि जिस पगड़ी पर आप देखकर खालिस्तानी का कमेंट कर रहे थे, इस पगड़ी का इतिहास पहले जान लो। हमारे DNA में है कि हम तानाशाही के आगे नहीं झुकेंगे। इसकी शुरुआत आज से 500 से ज़्यादा साल पहले श्री गुरु नानक देव जी, जो हमारे पहले रहबर थे, उन्होंने बाबर के दरबार में, अध्यक्ष जी तब जमाना ये होता था कि जो बादशाह ने कह दिया तब तो पूरी तानाशाही थी कि इसका सिर कलम कर दो तो कर दिया जाएगा, फिर कोई वकील दलील नहीं चलेगा। उस माहौल के अंदर भी गुरु नानक देव जी ने बाबर को जावर बोला था और उनकी तानाशाही के आगे नहीं झुके थे। ये सिलसिला उसके बाद शुरू हुआ और चलता रहा। चलते चलते मैं फिर एक आगे का इतिहास दोहराता हूँ कि 7 साल उम्र थी
बाबा फतेह सिंह जी जो गुरु गोबिंद सिंह जी के सबसे छोटे साहबजादे थे, उनको वजीर खान ने कहा कि हमारा दीन कबूल लो। तो 7 साल के साहबजादा बाबा फतेह सिंह जी ने कहा कि हमें मरना कबूल है, हम तुम्हारे आगे झुकेंगे नहीं। इतिहास गवाह है, बाबा फतेह सिंह जी को और बाबा जोरावर सिंह जी को दीवारों में चिनवा दिया गया था, पर इनके आगे झुके नहीं थे। तो ये हमारे DNA में। स्पीकर साहब, बात करें उसके बाद आज़ादी की लड़ाई की, तो करतार सिंह सराभा उस समय विदेश में थे। 15 साल की उम्र में उन्होंने गदर लहर में शामिल हुए, सक्रिय सदस्य बने और 19 साल की उम्र में फांसी का फंदा चूम गए थे, पर तानाशाही के आगे झुके नहीं थे। ये किस पगड़ी के ऊपर बार बार इल्जाम लगा रहे हैं? स्पीकर साहब, शहीद आजम भगत सिंह जी का बताया कि पूरे आज़ादी के इतिहास में एक ही बार किसी को शहीद आजम कहा गया है, और वो भी पगड़ी वाले शहीद आजम भगत सिंह थे। स्पीकर साहब, बात करेंगे उधम सिंह जी की। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, वहां हर धर्म के लोगों को मारा गया था, पर सिर्फ एक पगड़ी वाले के दिल में रोष पैदा हुआ और 1940 के अंदर जाके, लंदन के अंदर जाके उस माइकल एडवायर का कत्ल करके उसको उसके पापों की सजा देके उसका बदला लिया था। स्पीकर साहब, उसके बाद बात करूं 1962 के अंदर, जब भाजपा इल्जाम तो लगा रही है, 1962 के अंदर जब भारत चीन का युद्ध हुआ, भारत वो युद्ध हारा, तब नेहरू जी ने नेशनल डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने की बात की थी, तो पंजाब के तब के मुख्यमंत्री ने कहा था कि पंजाब खून भी देगा और पंजाब सोना भी देगा। ये बात ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, जहाँ मर्जी गूगल में चेक करना। सदन के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पूरे देश से 5 किलो और 327 ग्राम सोना इकट्ठा हुआ, पर इन पंजाब ने, इन पगड़ी वालों ने 252 किलो सोना, 2 क्विंटल और 52 किलो सोना सिर्फ पंजाब वालों दे दिया। इस देश की आज़ादी के इतिहास की बात करें तो 121 लोगों को फांसी हुई थी, जिसमें से 93 ये पगड़ी वाले ही थे। स्पीकर साहब, 2626 लोग उम्र कैद की सजा में गए थे, काला पानी गए थे, उसमें से 2147 लोग ये पगड़ी वाले ही थे। इनको शर्म आनी चाहिए पगड़ी वालों के ऊपर देशभक्ति का, विरोध का इल्जाम लगाते हुए। स्पीकर साहब, उसके आगे बढ़ूं तो ये नागपुर से ट्रेनिंग लेकर आए, हमें देशभक्ति सिखाएंगे, जो अपने वहां पर तिरंगा तक ही लगाते, आज तिरंगे में सबसे ज्यादा लिपट के लाशें कहीं आती है तो पंजाब के अंदर आती हैं, हमें इनसे देशभक्ति सीखने की जरूरत नहीं है। स्पीकर साहब, किसान आंदोलन हुआ, अब ऐसे तो अंग्रेज भी कह देते, आज ही कहते हैं जी पंजाब के किसानों को ज्यादा परेशानी हो रही है, ऐसे तो अंग्रेज कह देते जी पूरा देश गुलाम है, ये पंजाब वालों को क्यों दिक्कत हो रही है, 121 में से 93 सिखों को ही क्यों फांसी हो रही है, पंजाब वालों को क्यों परेशानी हो रही है, हमारे DNA में, हम तानाशाही के आगे झुकेंगे। स्पीकर साहब, 2 साल पहले 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के आगे माफी मांगी और कहा जी मैं तीनों खेती कानून वापस देता हूँ, और वादा किया जी किसानों की जो भी मांगे हैं वो पूरी करूंगा। आज क्या गलत हो रहा है, प्रधानमंत्री जी अगर अपनी बात से मुकर गए और किसान फिर सड़कों पर आकर आंदोलन कर रहे हैं, तो गलती तो प्रधानमंत्री जी की है, जो कमिटमेंट किया था, जो वादा किया था उसको पूरा करें, किसान खुशी खुशी अपने खेतों में जाएं, देश की बढ़ोतरी के लिए, देश की उन्नति के लिए अपने कामों में लगेंगे। पर हर दिन तानाशाही के नए रिकॉर्ड कायम करने का जो भाजपा काम कर रही है वो बहुत शर्मनाक है। स्पीकर साहब, इस देश की जल सेना, इस देश की थल सेना, इस देश की वायु सेना, हर सेना के सर्वोच्च पदों पर ये पगड़ी वाले बैठे हैं। अगर इस देश के सबसे बड़े, इस दुनिया के आत्मसमर्पण की बात करें तो बांग्लादेश का जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो वो भी पगड़ी वाले जनरल जे एस अरोड़ा थे, जिन्होंने एक साथ 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों का जनरल AA खान न्याजी के साथ आत्मसमर्पण कराया था, वो भी पगड़ी वाले थे। स्पीकर साहब, ये बार बार इस देश के अंदर धर्म के नाम पर लड़ाई करवाने की, बांटने की साजिशें करते हैं। दरअसल धर्म के नाम पर इस देश को कोई बांटना चाहता है तो ये भाजपा ही है, इनके अलावा और कोई नहीं है। बाकी सारे देशवासी बहुत प्यार से, बहुत सुकून से रहना चाहते हैं। स्पीकर साहब, मैं अपनी बात को कंक्लूड करूंगा 2 लाइनें बोल के कि अंधे निकालते हैं नुकस मेरे किरदार में, अंधे निकालते हैं नुकस मेरे किरदार में, बैरों की शिकायत है कि मैं गलत बोलता हूँ। धन्यवाद स्पीकर साहब। सो संगत जी, तुसी सारी गलबात सुनी तिलक नगर दे MLA दी। जे असी भंडन दा काम करदे आ ते साडा फर्ज बनदा है, जे कोई चंगा काम करे
ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।